हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है 25 जून से शुरू होने वाली हैं, लेकिन दोस्तों इस परीक्षा को लेकर के बहुत सारे छात्रों के मन में और इसके साथ साथ दोस्तों कॉलेजों में भी यह बात उठ रही है कि आपके जो एग्जामिनेशन हैं वह 25 जून से स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके रीज़न बहुत सारे हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि जिन भी छात्रों का बैक लगा हुआ था उन छात्रों ने अपना रीचेक और स्क्रूटनी का फॉर्म डाला हुआ था, लेकिन अभी तक रीचेक और स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वह अभी तक नहीं आया हुआ है, जिससे छात्र को यह पता नहीं चल पा रहा है कि वह छात्र उस विषय में फेल हुआ है या फिर पास हुआ है, उस विषय की तैयारी की जाए या फिर ना की जाए। क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और आपके एग्जामिनेशन की जो डेट है वह 25 जून ही बताई गई है, तो आज आपका 23 जून हो चुका है और अभी तक आपके रीचेक और स्क्रूटनी के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड हैं वह भी अभी तक बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, तो छात्रों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा है कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे, हमें कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसके बारे में भी बताइए। तो दोस्तों बोर्ड ने तो अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड के बारे में सूचना नहीं जारी किया है, न ही अभी तक आपके एडमिट कार्ड को जारी किया है। और दोस्तों मुख्य बात तो यह है कि BTUP ने आपके सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के एग्जाम के सेंटर को निर्धारित कर दिया था और एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है उसे भी जारी कर दिया था। हालांकि मैंने जो एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया हुआ था दोस्तों, तो एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट BTUP ने जारी किया था उसमें उसने जो है बहुत सारे गड़बड़ियों को किया था। मतलब कि एक ही कॉलेज में जो है 4-5 कॉलेज के छात्रों का सेंटर भेज दिया था, और इसके साथ साथ जो है जो भी जिले के कॉलेज हैं उनका जो सेंटर है वह जिले में ही नहीं भेजा हुआ है, उनका सेंटर जो है किसी अन्य जिले में कॉलेज से बहुत दूर उनका सेंटर भेज दिया गया है। जैसे में बहुत सारे कॉलेज जो प्रबंधक हैं वो नाराज़ हैं BTUP के इस कार्य से, और जिन कॉलेजों में 4 या 5 कॉलेजों का सेंटर आया हुआ है उन कॉलेजों के प्रबंधक भी बहुत नाराज़ हैं, और उन्होंने जो है इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को शिकायत किया है। यह बात जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया हुआ है कि BTUP ने जो है ऐसी हरकतें की हैं कि सभी कॉलेज सभी छात्र जो है बहुत ही परेशान हैं। तो यह बात जब दोस्तों मुख्यमंत्री जी को पता चली तो उन्होंने जो है BTUP सचिव को कॉन्टेक्ट करने का फैसला किया, BTUP सचिव को कॉल किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो है अपना जो फ़ोन है वह कल सुबह से ही बंद किया हुआ है, न ही वह आपके कार्यालय में आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे में जो है आपके सम सेमेस्टर परीक्षा के केंद्र निर्धारण के लिए हंगामा जो है हो चुका है, गड़बड़ियां जो है बहुत सारी बोर्ड के द्वारा की गई हैं, तो ऐसे में जो है सभी छात्रों के मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि सर हमारे एग्जामिनेशन जो है 25 जून से हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, बोर्ड ने जो है अभी तक किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया है, तो ऐसे में समय तो बहुत ही कम है, आज और कल में मिलाकर के बोर्ड सभी कार्यों को कर लेगा, क्या हमारे एग्जामिनेशन जो है 25 जून से होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बोर्ड की इस प्रकार की हालातों को, बोर्ड के इस प्रकार के अपूर्ण कार्यों को देखते हुए हमें यही लग रहा है कि जो आपके एग्जामिनेशन है वो 25 जून से नहीं हो पाएंगे। आपके जो एग्जामिनेशन की जो डेट है उसे बोर्ड जो है एक बार फिर से आगे बढ़ाएगा। हमारे साथ साथ दोस्तों जितने भी आपके कॉलेज टीचर्स हैं प्रिंसिपल हैं वह भी यही बात बता रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो है 25 जून से कराना संभव नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अभी आपके एग्जामिनेशन डेट को बदलने के बारे में BTUP की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया हुआ है, तो हम आपको जो बिल्कुल 100% कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन डेट बदलेंगे ही, लेकिन दोस्तों जहां तक बोर्ड की हालत को देखते हुए अंदाज़ा तो यही लग रहा है कि आपके 100 में से 99% चांस है कि आपके एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आगे जरूर बढ़ेगी। तो ऐसे में आप सभी छात्रों को जो है यह बात सुनकर के खुश बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको जो है अपनी तैयारी को करते रहना है। अगर आप यह बात अपने मन में जान लेंगे कि मेरा एग्जाम का जो डेट है वो आगे बढ़ेगा तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप यह मानकर चलिए कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो 25 जून से ही कराए जाएंगे, और आप इस 25 तारीख को ही टारगेट बना करके अपने तैयारी को कीजिए, जिससे कि आप जो है समय से आप अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे, और जब आपके एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ेगी तो आपको जो है एक्स्ट्रा समय मिल पाएगा जिसमें आप जो है रिविजन भी अपना कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
यहाँ पे दोस्तों आप सभी छात्रों के मन में एक प्रश्न और भी आ रहा होगा कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, स्क्रूटनी और रीचेक का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों बोर्ड की इस हालत को देखते हुए आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, स्क्रूटनी या रीचेक के रिजल्ट कब आएंगे, इसको अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह BTUP बोर्ड जो है कभी भी कुछ भी कर सकती है। और रही बात आपके ऑफिशियल जानकारी की आपके एडमिट कार्ड और स्क्रूटनी और रीचेक के रिजल्ट के संबंध में, दोस्तों तो BTUP ने अभी आपके एडमिट कार्ड और स्क्रूटनी रीचेक रिजल्ट के संबंध में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया है, न ही कोई नोटिस दिया है। तो जैसे ही आपके कोई नोटिस या फिर ऑफिशियल जानकारी आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी YouTube चैनल पर आपको वीडियो बना करके बता देंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।